केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया है कि आने वाले 50 दिनों में राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। आज जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार पेपर लीक, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न के आरोपों से ग्रसित है। उन्होंने कहा कि जयपुर संभाग की 50 विधानसभा के लिए आगामी चुनाव के मद्देनजर उन्होंने महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई हैं। कई प्रकार की वायदे करके कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश की शासन में दायित्व लिया था। आज उनके पास बहुमत होने के बावजूद एक अस्थिर, अनिर्णय, भ्रष्ट और दिशाहीन सरकार को दे पाए हैं। राजस्थान आज महिला उत्पीड़न में देश की सभी राज्यों को टप चुका है। 32,000 से अधिक बलात्कार पिछले 5 सालों के अंदर राजस्थान में हुई है। राजस्थान महिला सशक्तिकरण की, महिला मर्यादा की, महिला अस्मिता की परंपरागत रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रांत है। कांग्रेस की नेतृत्व में इस प्रांत में सबसे ज्यादा उत्पीड़न महिलाओं की हुई है। 50 विधानसभाओं की हम लोगों ने आज विशेष योजना बनाई है और हम मानते हैं इस जयपुर की संभाग की 50 विधानसभा एक प्रकार से प्रदेश की राजनीतिक वातावरण का एजेंडा सेट करता है।